बता देना चाहते हैं कि हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे और जिंदा नहीं बचेंगे यदि मुख्यमंत्री कैथल के अंदर आके 9 तारीख को बता देंगे इनका जवाब पत्थर से देंगे। अपना 5 फुट का डंडा और झंडा लेके कैथल की तरफ रवाना करें। ये आखिरी लड़ाई है इस किसान आंदोलन की कैथल के अंदर। अगर कैथल के अंदर कोई भी घटना घटती है तो सरकार और कैथल का प्रशासन जिम्मेवार होगा, ना कि किसान होगा। मैं मोदी जी को कहता हूँ, किसान थकने वाला नहीं है, किसान झुकने वाला नहीं है और किसान मरने से भी नहीं डरता है। आज हमने इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई है कैथल के अंदर 9 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है और उस अग्रसेन जयंती पे संयुक्त किसान मोर्चा कैथल बिल्कुल इस बात के लिए खुशी है कि ये हर साल मनाई जाती है वो मनाए। हमने अनाज मंडी के अंदर एक बैठक की है, आढ़ती भाइयों से ये अनुरोध भी किया है कि आप जो किसानों के साथ आज ये सरकार कैथल को युद्ध भूमि बनाने जा रही है तो हम यदि मुख्यमंत्री यहाँ आए अग्रसेन जयंती का विरोध नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि मनोहर लाल जी ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो जारी किया है, वो लठ उठाने की बात करते हैं और कहते हैं कि नेता वही बनेगा जो किसानों के लठ मारेगा और जेड़ काट के आएगा। हम ये बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी ये तो ठीक नज़दीक तारीख है कैथल की, आप आ रहे हैं, लठ भी आपके होंगे और पट भी आपकी होगी और डट के यहाँ हम लठ नहीं पहले वार करेंगे, लेकिन जब आप वार करवाओगे तो हम लठ अपने ऊपर खाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैथल के अंदर क्या होता है और जो भी अनहोनी होगी उसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री होंगे। हमने अग्रसेन सभा से ये आज अनुरोध किया है कि आप युद्ध भूमि ना बनाएं, क्योंकि अग्रसेन और किसानों का भाईचारा हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा। इसलिए हमने उनको ये कहा कि आप पुनर्विचार करें, क्योंकि कैथल के अंदर जो अनहोनी होगी वो अग्रसेन और किसानों के माथे पे मंडी जाएगी और ये सरकार यही चाहती है कि भाईचारा बिगाड़ा जाए। हमने उनसे अपील की है, वो पुनर्विचार करेंगे और हमें उम्मीद है वो सकारात्मक विचार होगा। हमारी अपील है कैथल तो कुर्बानी देगा ही देगा, ये मुख्यमंत्री को यहाँ घुसने नहीं देगा, पर हमारी सभी किसान भाइयों से जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो कैथल के अंदर अवश्य पहुँचे और गाँव के अंदर भी हमने एडवर्टाइज की गाड़ियाँ भिजवा दी है और गाँव वालों से हर भाई से ये अपील करते हैं जिसने भी दिल्ली जा कर के इस आंदोलन में सहयोग दिया है, किसी ने तन का, किसी ने मन का, किसी ने धन का, और हमारे लिए जो शहादतें दी गई है 600 से ऊपर किसानों की और आप लखीमपुर घटना के अंदर हमारे जो किसान भाई हमारे आंदोलन में मरे हैं, बेदर्दी से मारे गए हैं, उनको देखते हुए, बस्ताड़ा की घटना को देखते हुए, टुआणा की घटना को देखते हुए सभी लोग, सभी किसान इस बात को समझ लें कि ये किसानों के ऊपर फिर हमला, इस हमले का प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए गांव के सभी भाइयों से अपील है कि 9 तारीख को 2 बजे ही अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली, चाहे साइकिल है चाहे पैदल है, अपना 5 फुट का डंडा और झंडा लेके कैथल की तरफ रवाना करें। ये आखिरी लड़ाई है इस किसान आंदोलन की कैथल के अंदर और हम बता देना चाहते हैं भाईचारा हम रखना चाहते हैं, भाईचारे को रखेंगे, आज़ादी को कायम रखेंगे, लेकिन ऐसी सरकार को हम 9 तारीख को ही बता देंगे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। असंवैधानिक रूप से जो रवैया मुख्यमंत्री ने अपनाया और किसान मोर्चा आज ये भी विनती करता है कि योगी मुख्यमंत्री को और जो असंवैधानिक रवैया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनाया महामहिम राष्ट्रपति जी, इन दोनों को पद से पदच्युत करें, इनको बर्खास्त किया जाए। क्योंकि आज हम बता देना चाहते हैं कि हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे और जिंदा नहीं बचेंगे यदि मुख्यमंत्री कैथल के अंदर आके हमारे ऊपर हमला करवाता है या हमारी एकता को तोड़ता है। ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। हम ये पूर्ण तौर हमारे किसान भाइयों से अपील करते हैं जिसने भी इस आंदोलन के अंदर योगदान दिया, जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए चाहे किसान है, मजदूर है, छात्र है, व्यापारी है, छोटा कर्मचारी है, कोई भी सामाजिक संस्था है, कोई भी वर्ग है, चाहे दलित है, चाहे SC है, बैकवर्ड है, सभी संगठनों से हम पूर्ण जोर अपील करते हैं कि कैथल को युद्ध भूमि बनने से, कैथल को कुरुक्षेत्र बनने से रोकने के लिए एक ही है हथियार आप लोगों के साथ, आप अपनी एकता बनाएं, कैथल के अंदर इतना जमावड़ा कर दें
कि कोई भी जगह खाली ना बचे, सभी जगह मजदूर किसान छात्र कर्मचारी किसान दिखाई देना चाहिए, तभी आपके हित बचेंगे, तभी आपके शोषण से आप बचोगे, तभी आपकी किसानी बचेगी, तभी मजदूरी बचेगी, तभी ये जो नौ विभाग आपके साथ बंधे हुए हैं वो बचेंगे। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक मंडी के आढ़तियों से भी की है और अगर सैन से भी की है और ये अपील की है प्रशासन को। मुख्य कारण तो जी जो हमारे कैथल के अंदर अग्रवाल समाज अग्रसेन महाराज की जयंती 9 अक्टूबर को मना रहा है और उसके अंदर ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बुला रहे हैं। ये हर साल जयंती मनाते हैं क्योंकि जो भी महान पुरुष हुए हैं वो सभी समाज के होते हैं, किसी एक बरादरी के उसके नहीं होते। जो हमसे सहयोग चाहते हो हम देने के तैयार हैं। क्योंकि जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई, किसानों में बहुत क्रोध और जोश है और जो हमारे सीएम ने अभी 4 दिन पहले जो उसका वीडियो वायरल हुआ, भाई 600-700 लठैत तैयार करो, उसका भी किसानों में बोरा बारी जोश है। अगर कैथल के अंदर कोई भी घटना घटती है तो सरकार और कैथल का प्रशासन जिम्मेवार होगा, ना कि किसान होगा। किसान पहले किसी को नहीं छेड़ता और जो किसान को छेड़ेगा फिर किसान उसको छोड़ता भी नहीं है। हम तो मर रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं और गाड़ियों के नीचे भी कुचले जा रहे हैं। सरकार है इनकी दोष फिर किसानों पे लगाएंगे। मेरा अग्रवाल समाज से पुनः निवेदन है सभी से, बुद्धिजीवियों से, वे इस बात पर पुनः विचार करें ताकि हमारा कैथल कुरुक्षेत्र का मैदान ना बने। आज का जो मुख्य मुद्दा है, 9 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री कैथल के अंदर आ रहे हैं और इस सरकार की नीति, भारतीय जनता पार्टी की नीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति जो है जाति धर्म पे बांट करके देश में सत्तासीन होने के लिए है और इन कानूनों के खिलाफ इस देश की जनता को तोड़ करके आंदोलन कमज़ोर करना चाहती है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने जातीय तौर पर बांटने के लिए एक राजा मिहिर भोज हुए, वो गुजरों के बीच और राजपूतों के बीच विवाद पैदा करके वहाँ सत्ता पर केंद्रित होने के लिए और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए वो रंग दिया गया। इसी प्रकार कैथल के अंदर 9 तारीख को ये प्रदेश का मुख्यमंत्री और आरएसएस ये चाहती है कि यहाँ जातीय दंगा भड़के और ये जो पूरे देश के अंदर पूरे संसार के अंदर एक मिसाल कायम कर चुका आंदोलन, इस आंदोलन को तोड़ा जाए। लेकिन हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेता देना चाहते हैं, हम किसान कौम में पैदा हुए हैं, मजदूर कौम में पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने सिर दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ कदम रखने की गलती मत करना और प्रदेश की सरकार को, कैथल के प्रशासन को हम कह देना चाहते हैं, यहाँ जो भी घटना उस दिन घटेगी उसका जिम्मेवार इस प्रदेश की सरकार और इस कैथल का प्रशासन होगा।